अच्छा है सर तू भी खड़े हो जी ओ इधर हो इस थोड़े ये ऐसा सामने हो रूम सही है देखो कर हो फिर हो रही है पाओ जी हमारा सब पता नहीं नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं असि निकलाओ ना इधर सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जो आज कफील साहब खुर्शीद साहब जितेंद्र सिंह माशूक साहब और मुनाज साहब और आसिफ साहब जो इन्होंने एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप उठाया है क्योंकि इस यूनियन का मकसद ये है और इस यूनियन का मतलब बनाने का ये था कि अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सी परेशानियां आम आवाम को भी दरकार हो रही हैं और खास करके ड्राइवर जो हमारे भाई हैं उनको बड़ी दरकार आ रही है। अब ड्राइवर के साथ कहीं ना कहीं इंजस्टिस होता है, कभी ट्रैफिक वाले इनको कहीं पकड़ लेते हैं, कभी इनको कहीं हरास किया जाता है, कभी इनके साथ बड़ा गलत सलूक किया जाता है। तो इस यूनियन का मकसद ही है, अभी इन्हें तहसील लेवल पे यूनियन अभी क्रिएट किया, अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी बनाने जा रहे हैं और उसका ये मैसेज ये होगा कि कोई भी ड्राइवर या किसी भी ड्राइवर के साथ इनजस्टिस होगा या नाइंसाफी होगी क्योंकि ये पूरी यूनियन ड्राइवर के साथ रहेगी। उसके अलावा हम अगर आपसे बात करना चाहें दूर दराज के इलाका जो है जहाँ लोगों को बहुत सी परेशानियां होती हैं, अभी हमने सुनने में ये आ रहा है कि लोग प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर जनाब ये सुमो वाले लोग जो दिन सुबह से शाम तक बेचारे मेहनत मजदूरी करके पैसेंजर को लेकर 200 या 300 रुपया वो एक दिन का कमाते हैं, तो अभी मैं सुनने में ये आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट गाड़ी को अपने साथ में लेके वो इनकी सवारियों को रास्ते से उठा लेते हैं और इनके लिए बड़ी मुश्किल परेशानियों का हो रहा है। बाकी मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, एआरटीओ पुंछ से और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ट्रैफिक से भी तल्लुक रखने वाले लोग हैं मेरे उनसे भी गुजारिश रहेगी कि आप इस बॉडी का भरपूर साथ दोगे क्योंकि ये बॉडी एक कमजोर बॉडी बनने नहीं जा रही है, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर वो बॉडी बनने जा रही है कि किसी एक प्रेसिडेंट का जब हुक्म होगा तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी गाड़ियां जो होगी वो कंट्रोल हो जाएंगी। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा स्टेप उठाया जिनके लिए खास करके हमारी बहनें होती हैं उनको गाड़ियों में बैठने की बड़ी दिक्कत होती है, आम लोग होते हैं वो भी बड़े बेबस होते हैं और उन्होंने ये फैसला लिया आज पूरी बॉडी ने कि किसी के साथ इनजस्टिस या नाइंसाफी नहीं होगी और बहुत से लोग किराया ऐसे भी देते हैं और ये वेल एक डिसिप्लिन के साथ वेल तरीके के साथ ताकि आवाम कोई परेशानी ना हो, ताकि इनकी बॉडी और इनके ड्राइवर्स को भी परेशानी ना हो। तो हम इन सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने भी ये सिविल के बारे में अच्छा सोचा, सिविल पब्लिक के बारे में अच्छा सोचा। मैं दोबारा से पूरी बॉडी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हम इंशाल्लाह इनके साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने सिविल यूथ के नौजवान हैं हम इनके साथ शराम शराब खड़े हैं और उसके अलावा जितने भी अवाम हैं इनके साथ इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया रहमान रहीम, मैं आपसे आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पूरी पुंछ के मंडी के हो गए, मेंढर के हो गए, पुंछ के हमारे जितने भी ये हमारे बाड़ी के लोग हैं ये आए हैं, कफील साहब हैं हमारे, ये हैं मंडी के आशिक साहब, ये सरदार जी हमारे पुंछ के, बाकी ये मशहूर जितने भी हैं तमाम, ये हमने एक बाड़ी बनाई है टैक्सी यूनियन की, उसकी वजह ये थी कि हमारी टैक्सी जो है ये हर जगह सफ़र हो रही थी, हर जगह पकड़े जा रही थी, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही थी, उसी के देखने की वजह से हमने ये एक अपनी यूनियन तैयार किया, ताकि हमने ये यूनियन अपनी तैयार करके डिस्ट्रिक्ट में इसको कराएंगे रजिस्ट्रेशन, पूरी जो है जम्मू से जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ताकि हमारी गाड़ियों के हमारी भी कोई बात सुन सके। हम अपनी खुद कार्रवाई करने का करते हैं, पूछ लेते हैं, कोई किराया नहीं ले रहा ड्राइवर के, ड्राइवर हमने ड्राइवर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जिस तरह ये हमारे पसेंजर हैं, ये हमारी रोजी रोटी है, इनके हिसाब से ठीक तरीके से निपटें, इनसे अच्छी बात करें, अच्छे तरीके से चलें, या जहाँ भी इनको कोई पेश आए वाकया तो हम वहाँ हाजिर हो सकते हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम कोई सवाल रख सकते हैं।